नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कटिहार टॉप न्यूज, मैं हूं आमिर। जिले के बुद्धिजीवियों ने ईद को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सबसे पहले तो मुस्लिम धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण त्यौहार ईद का हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पे अभी जो देश में महामारी कोरोना वायरस के रूप में फैला हुआ है, हम जितने भी मुस्लिम भाइयों हैं, बहनों हैं, उनसे ये आग्रह करना चाहते हैं, भीड़ भाड़ में ना निकले, अपना इबादत अपने घर पे ही करें, वो सबके लिए सुरक्षित होगा। और मेरे तरफ से पंचायत मुकुरिया के तमाम निवासियों को ईद की शुभकामनाएं, साथ ही साथ प्रखंड आजमनगर के सभी निवासियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी कर्मियों को मेरे तरफ से ईद की भारी भारी शुभकामनाएं। आप सभी आजमनगर प्रखंड एवं मुकुरिया पंचायत के निवासियों से अनुरोध है कि ईद की पर्व को लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए शांतिपूर्वक ईद मनाएं। आग्रह है सभी लोग अपने घर पर ही मनाएं शांतिपूर्वक, भीड़ भाड़ में न रहें इस कोरोना महामारी की वजह से। और साथ ही सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आदाब, मैं डॉक्टर MM आलम, AIMIM जिला महासचिव, कटिहार बिहार। मैं आजमनगर प्रखंड के जनताओं से एवं जिला के जनताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने घर में ही रहकर ईद मनाएं शांतिपूर्वक और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और हमारे गवर्नमेंट के आदेश के पालन अनुसार अपने ईद को शांतिपूर्वक घर में ही मनाएं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग शांतिपूर्वक ईद को मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सैयद रहमान, कांग्रेस अध्यक्ष, निस्ता पंचायत के कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं कदवा प्रखंड के तमाम जनताओं से तथा जिला कटिहार जिला के तमाम जनताओं से अपील करता हूं कि ये कोरोना के अवसर पर या कोरोना के इस दुख घड़ी में आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ अपने घरों में ईद मनाएं और इस बीमारी से बचें और अपने देश और अपने समाज को बचाएं। धन्यवाद। आप सबों को ईद की कोटि कोटि धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं सौरभ कुमार सिंह, युवा महासचिव राजपा, मैं सभी बिहार वासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।